गुड मॉर्निंग माई डी स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट को डील करने वाले हैं, दैट इज़ वेन सीयर टेस्ट। अगर मैं पिछले लेक्चर की थोड़ी बात करूँ तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट सीयर टेस्ट के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया था टेस्टिंग कैसे होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें बता दी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें बताई थी। बिकॉज SSC JEE में 20 नंबर का क्वेश्चन इसी बार मेंस में डायरेक्ट सीयर टेस्ट से पूछ लिया था। बताओ कि डायरेक्ट सीयर टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका डायग्राम के साथ आपको बनाना था। मतलब कि ये जो टेस्ट है, इस चैप्टर के जो टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका ट्राइएक्सियल टेस्ट हो, चाहे डायरेक्ट सीयर टेस्ट हो, और चाहे वो वेन सीयर टेस्ट हो, सारे टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। अदर के ज़्यादा नहीं पूछे जाने के चांसेस हैं, बट इस टॉपिक के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डील करेंगे। तो आज हम डील करने वाले हैं वेन सीयर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसका ब्रॉड टर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट इज़ द वेन सीयर टेस्ट। देखिए क्या होता है कि वेन सीयर जो टेस्ट होता है ये सूटेबल किस सॉइल के लिए होता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। वेन सीयर टेस्ट जो सूटेबल होता है ये सॉफ्ट मरीन सॉइल के लिए होता है। ऐसी सॉइल्स जो थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं, मतलब इस पर वेन को चलाना आसान होता है, तो सॉफ्ट मरीन सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज सॉफ्ट क्ले भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सॉफ्ट क्ले के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके चल, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसमें टॉर्क वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे वेन सीयर टेस्ट के और भी फायदे रहते हैं। ये तो सबसे खास बात ये होता है कि इसको आप लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो, और इसको आप परफॉर्म कर सकते हो कहाँ पे? फील्ड पे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो फील्ड पे भी जा सकते हो और लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो, तो दोनों जगह पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, दोनों में अंतर बस इतना ही रहता है कि जब लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसका जो भी वेन होता है, जो वेन होता है वो छोटा होता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप फील्ड में परफॉर्म करोगे तो उसी वेन का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फील्ड में और यहाँ क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ डिफरेंस रहता है वेन के साइज में। दूसरी बात, वेन सीयर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आपको कोई पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की कोई भी मैकेनिज्म नहीं होती यहाँ पे। मतलब पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की कोई भी मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होती है कि ड्रेन्ड होगा कि अनड्रेन्ड होगा। तो हम लोग इसमें अनड्रेन्ड कंडीशन में ही चीज़ों को डील करते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, पूछ लेगा कि बताओ कि वेन सीयर टेस्ट आपका ड्रेन्ड कंडीशन में होता है या अनड्रेन्ड कंडीशन में होता है। तो ये आपका अनड्रेन्ड कंडीशन में हम लोग डील करते हैं, बिकॉज यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की कोई भी मैकेनिज्म नहीं होती है। तो डायरेक्ट सीयर टेस्ट और आपका वेन सीयर टेस्ट, दोनों में आपने देखा होगा कि आपका पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की कोई भी मैकेनिज्म नहीं होती है, ठीक। लेकिन ट्राइएक्सियल टेस्ट में आपने देखा था कि आप पोर वाटर प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका इन सब टेस्टों का निकल के आ जाता है। उसके अलावा वेन सीयर टेस्ट का कुछ और भी यूज रहता है, जैसे कि अगर आप देखोगे इससे हम लोग इनडायरेक्टली सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं सॉइल की, और इसके अलावा लिक्विड लिमिट भी निकाल सकते हैं। सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले ये बता दूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि वेन सीयर टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चल, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं वेन सीयर टेस्ट। वेन सीयर टेस्ट इसके बारे में डील करते हैं, वेन सीयर टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट, पहले मैं सारे पॉइंट को मेंशन कर देता हूं, मेंशन करने के बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन केस ऑफ प्लास्टिक सॉइल, इन केस ऑफ प्लास्टिक सॉइल, इन केस ऑफ प्लास्टिक सॉइल विच इज़ वेरी सेंसिटिव, ऐसी सॉइल जो बहुत सेंसिटिव रहती हैं, ऑब्टेनिंग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट
because during this is because during because during sampling sampling significance disturbance significance disturbance disturbance can be occur ठीक है। इस पॉइंट को पहले सारे मेंशन करता हूँ, उसके बाद सारे एक एक करके डील कर दूंगा, एक साथ समझाऊंगा तो बेटर रहेगा। इसलिए फॉर सच सॉइल शियर स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन इज डन यूजिंग इन सीटू टेस्टिंग आर फील्ड टेस्टिंग, कुछ भी कर सकते हो, आर फील्ड टेस्टिंग ठीक है, इन सीटू भी कर सकते हैं और फील्ड पे भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन कह रहा है, दिस इज इन दिस टेस्ट देर इज अ नो मैकेनिज्म। जो पॉइंट मैंने शुरुआत में आपको टेस्ट के पहले ब्रॉड टर्म में बता दिए वही टर्म चल रहे हैं। इन दिस टेस्ट there is no mechanism to measure pore pressure। तो इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं होते कि पोर वाटर प्रेशर को मेजर किया जा सके। एंड ड्रेनेज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओके। Hence, it can be conducted only undrained condition। चल नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, यही आपको एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन। इट इज़ सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले ब्रैकेट में लिख देता हूँ मरीन सॉइल। कई बार ऑप्शन में क्या कर देता है, ऑप्शन में मरीन सॉफ्ट मरीन सॉइल भी दे देता है, तो मरीन क्ले यहाँ पे ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ मरीन क्ले ठीक है। मरीन क्ले टू फाइंड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग फाइंड करते हैं अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड
सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम डील करने वाले हैं, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। चल नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी कंडक्टेड इन लैब एज वेल एज इन द फील्ड द मैकेनिज्म इज सेम, सारी मैकेनिज्म सेम रहती है, इन द मैकेनिज्म इज सेम इन द फील्ड द मैकेनिज्म मतलब जैसे प्रोसेस होता हो तो सेम रहेगा, मैकेनिज्म इज सेम difference is only size of vein. चलो सारी कहानी मेंशन कर दी, अब एक एक पॉइंट करके मैं डिस्कस कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूरी कहानी मैंने लिख दी, अब एक एक कहानी को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, इन केस ऑफ प्लास्टिक सॉइल, प्लास्टिक का मतलब समझते हो, जो सॉइल अपनी प्लास्टिक स्टेट में रहती है उसको बोलते हैं प्लास्टिक सॉइल, जिसमें कुछ कोहेसन होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी सेंसिटिव, लिक्विड और सॉरी सेमी सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। प्लास्टिक को एक बार समझा देता हूँ, देखो आपने पढ़ा था पहले भी मैं बता रखता हूँ, चलो ये इस तरीके से तो देखा था कि आपको ये क्या था, सॉलिड था, सेमी सॉलिड था, प्लास्टिक था, तो इस स्टेट में जो सॉइल रहेगी दिस इज प्लास्टिक, तो इस स्टेट में जो सॉइल रहेगी दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक। इन केस ऑफ प्लास्टिक सॉइल विच इज वेरी सेंसिटिव ऑब्टेनिंग अनडिस्टर्ब, कोई ऐसा सैंपल है जिसको आप सॉइल को निकालते हो कहीं पे भी सैंपलिंग करते हो, सपोज दैट कहीं ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से सपोज आपको यहाँ से एक सैंपल लेके जाना है ये सॉइल का, और ये सॉइल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके आ जाती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके आ जाती है, तो ऐसी सॉइल को बोलते हैं सेंसिटिव सॉइल। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर दो सदमे में चले जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कुछ ऐसे आदमी होते हैं कितनी भी समस्या आ जाए आराम से चिल रहते हैं, वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा सॉइल में भी होता है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सैंपल को हम बाहर लेके जब आएंगे, इसको बाहर निकालेंगे सैंपल को, तो इसको बाहर निकालते समय ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे सॉइल्स के लिए हम लोग वेन शेयर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो वही बोलना चाह रहा है कि विच इज़ वेरी सेंसिटिव ऑब्टेनिंग अनडिस्टर्ब सैंपल, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ड्यूरिंग सैम्पलिंग सिग्निफिकेंस डिस्टर्बेंस, इसको बाहर निकालते समय इसके पार्टिकल में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, इस वजह से बोल रहा है कि इसको हम लोग नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो इसलिए हमारा ये टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है। दैट्स क्लियर। चल तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों करते हैं, जब कोई ऐसी सॉइल है जिसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है अगर उसका सैंपल को प्राप्त करने में और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसी सॉइल को हम लोग वेन शेयर टेस्ट परफॉर्म करें। फॉर सच सॉइल शेयर स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन इज डन यूजिंग इन सीटू टेस्टिंग और फील्ड टेस्टिंग, ऐसे केस में जब आपकी कोई सॉइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है तो ऐसे केसेस में, या सेंसिटिव रहती है तो ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पे इन सीटू टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ताकि हमको सैंपल निकालने की ज़रूरत ना पड़े। सैंपल कब निकालते हो, सैंपल तभी निकालते हो जब हमें कोई चीज़ लैब में करनी होती है, सैंपल उठाते हो लेके आते हो उसकी टेस्टिंग करते हो, जब कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सॉइल रहेगी तो आपको सैंपल निकालने की ज़रूरत नहीं है, जा करके फील्ड पे परफॉर्म करो। तो ये होता है दूसरा पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इन दिस टेस्ट देयर इज अ नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर। वेन शियर टेस्ट में अभी असेंबली बनाएंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे कोई भी पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, एंड नो ड्रेनेज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं ड्रेनेज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, हेंस इट कैन बी कंडक्टेड ओनली इन अनड्रेन्ड कंडीशन,
इसको हम लोग अनड्रेन कंडीशन में मानते हैं। ड्रेंड क्यों नहीं मानते? क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इस वजह से इसको क्या परफॉर्म किया जाता है? अनड्रेन टेस्ट। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहा है, इट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड सॉइल। तो सबसे बड़ा जो इसका मेन मुद्दा है वो क्या है? सॉफ्ट सॉइल के लिए किया जाता है, मरीन सॉइल के लिए किया जाता है। ये अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो सॉफ्ट मरीन सॉइल के लिए ये क्या होता है? परफेक्ट होता है। टू फाइंड अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ, इट कैन बी आल्सो यूज टू फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। इस पॉइंट को मैं ब्रॉड टर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा, बस थोड़ा सा अभी पेशेंस रखो। फिर कह रहा है, इट कैन बी कंडक्टेड इन लैब एज वेल एज इन सीटू। इसको हम लोग लैब में भी परफॉर्म कर लेते हैं और इसको फील्ड में परफॉर्म करते हैं। मैकेनिज्म दोनों की सेम रहती है, डिफरेंस क्या रहता है? एक वेन का साइज, सपोज दैट कि एक वेन आपने वेन ऐसा बनता है, अभी बना के दिखाऊंगा। अभी सपोज दैट मैं ऐसा ही बना रहा हूँ, अभी एक छोटा सा वेन मैंने बना दिया, ठीक है, ऐसा ही होता है वेन, ठीक है, दिस इज वेन, चलो इस तरीके से होता है। और मेरे को अगर मान ले फील्ड में परफॉर्म करना है तो यही वेन जो बड़ा बनाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। तो बस दोनों में अंतर यही रहता है, लैब में परफॉर्म करोगे तो छोटा सा दिखाई पड़ेगा और वहां परफॉर्म करोगे तो इसकी वेन्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड वेन, वेन। चल इसको अभी डिस्कस करने वाले हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इट कैन बी कनेक्टेड इन लैब एज वेल एज इन द फील्ड, द मैकेनिज्म इज सेम। मैकेनिज्म का मतलब है सेम टॉर्क, उसी तरीके से लगाओगे, जैसे लैब में परफॉर्म करते वही प्रोसेस अपनाओगे फील्ड में भी, डिफरेंस इज ओनली द साइज ऑफ वेन। तो प्लीज पहले इसको आप कॉपी करो, सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए, अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करूंगा उनको भी इसी तरीके से समझाऊंगा। तो पहले मेरे साथ लिखा करो, उसके बाद में मैं सारी चीज़ों को ब्रॉड टर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो लिखाने के बाद मैं एक्सप्लेन ना करूं। हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। चलो कॉपी करो दिस, फिर नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं इसका, अगला पार्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो चलो, आई होप कि कॉपी दिस फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है क्योंकि अगले पॉइंट हमको यहाँ पे मेंशन करने हैं। चलो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एसएससी जेई हो, आईईएस हो, गेट हो, हर एग्जाम में इसका वेट है, सिविल सर्विसेज हो, आईएफएस हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, कहीं पे भी जाओगे इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। चल तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इसी का, सिक्स पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसका और भी क्या यूज रहता है उसके बारे में यहां पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो कहाँ तक हो गया था? फिफ्थ पॉइंट तक हमने कर लिया था, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ फेल्योर, ऑफ सिक्स पॉइंट होगा ये, एट द टाइम ऑफ फेल्योर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ सकता है। एट द टाइम ऑफ फेल्योर शियर वेरिएशन विल बी यूनिफॉर्म throughout
ठीक है, एट द टाइम ऑफ फेल्योर शेयर वेरिएशन विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस समय एट द टाइम ऑफ फेल्योर बना रहा हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो, ये इसका सेंटर है, सिलेंडर जैसा बनता है। अभी डायग्राम बनाएंगे जो वेन का, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसका जो साइड में जब इसको पेनिट्रेट करते हैं ग्राउंड के नीचे, तो उसका जो जब इसको रोटेट करेंगे, सपोज दैट ये मार्कर है, मार्कर को आपने ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर दिया, फिर इसको रोटेट करा रहे हो, तो साइड से जो रेजिस्टेंस आएगा, टॉप से आएगा, बॉटम से है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये साइड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये बॉटम का है। एट द टाइम ऑफ फेल्योर समान मान, ये फेल्योर, चलो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये साइड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, साइड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज टॉप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, ये क्या है बॉटम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉप और बॉटम पे भी क्या हो गए समान, बॉटम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बॉटम लिख देता हूँ शियर, चलो ये पॉइंट आंसर। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, और ये एट द टाइम ऑफ फेल्योर ही होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले की कहानी बात करोगे तो ऐसा नहीं होता है, और हम जो डेरिवेशन करेंगे वो फेल्योर पे ही करेंगे। चलो चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, ये तो डिस्कस हो गया, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वेंट से टेस्ट, सेवेंथ पॉइंट, वेन सियर टेस्ट इज आल्सो यूज टू कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट ऑफ क्ले बाय कंडक्टिंग टेस्ट इन लैब एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, सॉइल में हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग पानी मिलाने के बाद इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो सारी कहानी पहले लिख देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करता हूँ, वेरियस मॉइस्चर कंटेंट नेक्स्ट पॉइंट है इसी में। चलो, एट्थ पॉइंट है द मॉइस्चर कंटेंट एट विच शियर स्ट्रेंथ इज जीरो और नेग्लिजिबल इज द लिक्विड लिमिट ब्रैकेट में मॉइस्चर कंटेंट, जिस मॉइस्चर कंटेंट पे उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाए, जीरो। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर दिस इज नाइन,
दिस टेस्ट कैन बी आल्सो बी, अब इस पॉइंट को बाद में भी डिस्कस कर सकता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, पहले बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको डिटेल में, बट यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट हैं जिनको मैं एक साथ मेंशन कर देता हूँ, बाद में सीधे डेरिवेशन कराऊंगा तो बेटर रहेगा। तो दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड, रिपीट हो रहा है, पहले लिख चुका हूँ इस पॉइंट को लेकिन फर्दर एक्सप्लेन करना है, कैन बी यूज टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 10th, आफ्टर द इनिशियल टेस्ट when is rotated several times and soil becomes remolded, shear strength of remolded, shear strength of remolded clay is calculated as, कैसे निकालते हैं देखो, शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, देखो सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला क्या पड़ा था सेंसिटिविटी का, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या, इसको एस से डिनोट करते थे, चल ये होता क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ क्यू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या क्यू जो क्यू होता है, क्यू को हम लोग बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, क्यू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रीमोल्डेड, ठीक, चल, और आपने एक डेरिवेशन और किया था, क्यू इजकल टू क्या लिख सकते हैं, टू टाइम सी यू अनडिस्टर्ब अपान टू टाइम सी यू रीमोल्डेड, ये भी लिख सकते हैं, अभी प्रूफ कर दूंगा इसको, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, दिस इज सी यू अनडिस्टर्ब अपान सी यू रीमोल्डेड, दिस इज रीमोल्डेड, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ओके, चल अब बात करते हैं यहां पे, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अनडिस्टर्ब अपान रीमोल्डेड, अब देखो एक बात है यहां पे, जो टू टाइम कैसे आया ये सब प्रूफ कर देता हूं एक लाइन में, कैसे आया देखो भाई, यहां पे अगर मैं बात करूं, आपने पढ़ा था ट्राइएक्सियल टेस्ट में सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5 बाई 2 प्लस 2 इंटू सी टेन 45 प्लस 5 बाई 2, ठीक, चल इस बात को आप समझते हो, अगर मेरा अनकन्फाइंड टेस्ट है फॉर यूसीएस टेस्ट, बताओ यूसीएस टेस्ट किसके लिए करते थे, फॉर क्ले सॉइल के लिए करते थे, और उस समय माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो होती थी, सिग्मा 3 जीरो होता था, और क्या जीरो होता था, फाई जीरो, बिकॉज ये क्या है क्ले के केस में है, क्ले में फाई क्या होता है जीरो होता है, तो रिलेशनशिप निकल के आता है सिग्मा 1, इसकी जगह आप जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग करोगे तो जीरो प्लस टू टाइम टू सी टेन टेन 45 प्लस जीरो जीरो बाई टू
तो क्या हो जाएगा, टेन 45 कितना होता है 1, तो सिग्मा 1 इजकल टू क्या लिखा जा सकता है, 2c लिखा जा सकता है। और ये टेस्ट हमेशा अनट्रेंड कंडीशन में किया जाता है, इसलिए इसको लिख दिया गया cu। तो ये कहानी मैंने यहाँ पे समझा दी। और सिग्मा 1 को हम लोग लिख सकते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू, ये हो जाती है अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ क्यू यू। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना, क्या क्यू यू इजकल टू 2 times u। बहुत बार ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा और ये ऑब्जेक्टिव मैं पहले डराइव कर चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे जरूरत थी इसलिए मैं आपको फिर से बता दिया कि ये ऐसे डराइव होता है। तो आप देखोगे क्या कि आपको क्या कर देगा, cu दे देगा, अनट्रेंड शियर स्ट्रेंथ दे देगा आपको, और कहेगा कि बताओ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, तो 2 times मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, ठीक। या कई बार क्या करेगा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे देगा और 2 से डिवाइड कर दोगे तो अनट्रेंड शियर स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी। तो दोनों में अंतर है। तो यही बात मैं समझा रहा था कि 2 times क्यों लिखा गया, 2 times इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन से हमने इसको प्रूफ कर रखा है, ठीक है। चल, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी को आप इसके टर्म में भी लिख सकते हो, इसके टर्म में भी लिख सकते हो, तो दोनों के टर्म में आप लिख सकते हो। चल, पहले एक एक्सप्रेशन डराइव करते हैं, इस एक्सप्रेशन की अभी जरूरत पड़ने वाली थोड़ी देर में, पहले इसको आप याद रखो क्या कि सेंसिटिविटी ST इजकल टू दिस इज CU अनडिस्टर्ब, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, बस इसको लिख लेते हैं अनडिस्टर्ब अपान CU रीमोल्डेड, क्या हो गया रीमोल्डेड, क्लियर। तो इस फार्मूले की अभी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम सारे पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ फेल्योर शियर वेरिएशन विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द, तो थ्रू आउट हम क्या मान रहे हैं, इसको यूनिफॉर्मर है, ये पॉइंट हमने इसको बताया था, एट द टाइम ऑफ फेल्योर ही मानोगे, उसके पहले ऐसा नहीं होता। उसके पहले इसका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैं नीचे बना रहा हूँ, तो टॉप और बॉटम का डिफरेंस होता है कुछ इस तरीके से होता है, सेंटर पे 0 होता है शियर स्ट्रेस, ये इस तरीके से। तो ये इनिशियल कंडीशन में एट द फेल्योर नहीं है, ये बीच का कहीं कंडीशन है, जब आप वेन शियर चला रहे हो, सॉइल फेल कर गई तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फेल नहीं की उसके पहले की कंडीशन ये वाली रहेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिफोर फेल्योर, बिफोर फेल्योर इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे बिफोर फेल्योर, ठीक। तो टॉप और बॉटम दोनों पे रहेगी, यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ, बाकी बाद में आपको इसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो दिस इज बिफोर फेल्योर, बिफोर फेल्योर, तो बिफोर फेल्योर की कहानी है। चल, नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, वेन शियर टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट लिक्विड लिमिट ऑफ क्ले बाई कंडक्टिंग टेस्ट इन लैब, सॉरी हाँ, वेन शियर टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट ऑफ क्ले बाई कंडक्टिंग टेस्ट इन द लैब एट वेरियस मॉइस्चर कैटर। देखिए क्या होता है कि सॉइल आपको दी गई, और सॉइल दी गई उसमें आपने वेन को रोटेट करा, अभी वेन बना दूंगा सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वेन का शेप बनाया था अभी कुछ देर पहले, तो आपने क्या किया, लैब में सॉइल ली, उस सॉइल में कुछ मॉइस्चर लगाया, वेन चलाया, वेन मैंने आपको बना के दिखाया भी था, कुछ इस तरीके से होता है वेन, इस तरीके से आपका वेन निकल के आता है, इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे होता है, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से वेन होता है, इसको उसमें रोटेट कराते हैं। भाई ये बताओ, जब आप इसमें पानी कम मिलाओगे तो आपको टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी कम है तो सॉइल इतनी जल्दी वो स्टिफ रहेगी, स्टिफ सॉइल में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मॉइस्चर मिलाते चले जाओगे तो आप क्या देखोगे कि मॉइस्चर मिलाने से उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, तो आपको कम टॉर्क लगाना पड़ेगा। और एक ऐसी वैल्यू निकल के आ जाए, सपोज दैट कि आप मॉइस्चर मिलाते ही जा रहे हो और फिर बाद में आपने कहीं पे टॉर्क अप्लाई किया सॉइल पे, तो टॉर्क अप्लाई करने के बाद आपने देखा कि सॉइल कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रही, आप टॉर्क लगा रहे हो आराम से आपका वेन मूव कर जा रहा है, बहुत इजली कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पानी जैसा फ्लो कर रही है मिट्टी, तो उस कंडीशन में जितना मॉइस्चर कंटेंट आपने ऐड किया होगा तो उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा क्या वेन शियर टेस्ट से लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं, यस, उससे इनडायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, हालांकि उतना एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, फिर भी रिलेट करा सकते हैं। चलो, दिस टेस्ट कैन बी आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड आउट सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले, इसको भी डिस्कस करता हूँ, सेंसिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं उसको देखो। आफ्टर द इनिशियल टेस्ट, इनिशियल टेस्ट शुरुआत में उसकी स्ट्रेंथ सॉइल की कुछ रही होगी, लेकिन जैसे वेन शियर टेस्ट परफॉर्म किया तो पूरी सॉइल डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि वेन क्या होता है जमीन के अंदर जाता है, ये ग्राउंड के नीचे जाता है, सॉइल को नीचे की पूरी सॉइल को क्या करता है डिस्टर्ब करता है, यहाँ पे उसको घुमाते हैं सारी तरीके से, सॉइल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वेन इज रोटेटेड सेवरल टाइम, बहुत बार रोटेट करते हैं, 10-20 चक्कर लगा देते हैं, एंड सॉइल बिकम रीमोल्डेड, रीमोल्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब हो जाना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड क्ले इज कैलकुलेटेड एज,
तो कैलकुलेटेड कैसे निकालते हो, देखो यहाँ पे सेंसिटिविटी लिखी जा सकती है क्यू अनडिस्टर्ब अपान क्यू रिमोल्डेड, पहले पढ़ाया था, पहले टॉपिक को याद करो, ये जरूरत पड़ रही है। टू टाइम क्यों लिखा, मैंने डराइव कर दिया आपको, तो ये एक फार्मूला सेंसिटिविटी का नया निकल के आ गया। तो पहले तो हम लोग क्यू यू के टर्म में पढ़ते थे, अब सी यू के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग इसको डेराइव करते हैं इक्वेशन को, तब आगे बढ़ते हैं। चल पहले तो आप कॉपी दिस, देन हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि सारी चीज़ों को यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। चल अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा, इसीलिए बोलता रहता हूँ कि साथ में कॉपी किया करो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि देखो साथ में कॉपी कर लो, फिर जब मैं समझाया करूँ तो आप मेरे साथ ही समझ लिया करो, बेटर बैठता है। क्योंकि एक बार लिखोगे एक बार समझाऊंगा तो फिर आपका जो है कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो जब भी मैं कोई थ्योरी पॉइंट यहाँ पे मेंशन करता हूँ, एक्चुअली थ्योरी बहुत है तो इसे लिखाना पड़ता है, ओरली अगर मैं लिखवाऊंगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा, इसलिए मैं पेज लेके आता हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस ना होने पाए, ठीक है। इसलिए एक एक पॉइंट लिखता हूँ, चाहे आप किसी बड़े मतलब कहीं पे भी अगर आप देखोगे, मतलब किसी भी नोट से मैच कराओगे ये नोट्स, तो आप देखोगे चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो चाहे आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, ये नोट्स में कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। तो वो सारे पॉइंट लिखवा देता हूँ कि जो आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछे जाएंगे आप करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये नोट्स आप देखोगे कि गेट और ईएस स्टूडेंट्स भी को लिए जो भी है सफिशियंट है, ठीक है, इतना ही वहाँ पे भी कराया जाता है, इससे ज़्यादा कहीं कराया नहीं जाता, सब कुछ पढ़ के देख लिया। तो जो भी है चाहे बड़ी कोचिंग की बात कर लो कहीं पे भी बात कर लो, सारी जगह पे जो डिस्कस किया जाता है मैं सॉइल उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। और स्टील तो मैं बता दूँ, स्टील तो बहुत ही डिस्कस कर दिया, ठीक है, स्टील में जितना टाइम दे दिया है इतना कोई देता नहीं है ऑफलाइन में, हमेशा 50-60 घंटे हम लोग ख़त्म कर देते हैं उसको। मैंने जिस हिसाब से आपको 80-90 घंटे उसको टाइम दे दिया है, इतना टाइम बहुत जल्द मिलता नहीं है, ठीक है। बीटेक वालों को तो गेट वगैरह आईएएस में तो 50-60 घंटे में स्टील ख़त्म कर देते हैं, जाओ घर। तो जो समझ में आए ठीक है, बट कोई नहीं, आप अच्छे से करो, आपका रिजल्ट आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चलो अब डेराइव करेंगे इक्वेशन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फाइनल पॉइंट है। चलो डील करते हैं, एक्सप्रेशन को हम लोग यहां पे डेराइव करते हैं। चलो सबसे पहले एक स्टेप लिखता हूं, जो स्टेप साइंस के एक दो स्टेप्स हैं उनको मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले स्टेप ये है कि सबसे पहले दिस इज व्हेन इज जेंटली पुश्ड, व्हेन इज जेंटली पुश्ड, व्हेन को ग्राउंड में जेंटली पुश करते हैं इनटू द सॉइल, इनटू द सॉइल एंड ट्विस्टेड, तब तक ट्विस्ट करते हैं, टॉर्क लगाते हैं अंटिल जब तक सॉइल फेल ना कर जाए, अंटिल द सॉइल फेल, द सॉइल फेल। चलो दूसरा स्टेप है, मैक्सिमम टॉर्क इज टेकन एज करेस्पॉन्डिंग टू द टोटल शियर रेजिस्टेंस, टू द टोटल शियर रेजिस्टेंस, टोटल शियर रेजिस्टेंस। ओके चल, टोटल शियर रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम टॉर्क इज टेकन करेस्पॉन्डिंग टू टोटल शियर रेजिस्टेंस, इसका ग्राफ बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है टॉर्क और थीटा के बीच में, थीटा और टॉर्क, थीटा मतलब रोटेशन, कुछ इस तरीके से। तो दिस इज एट फेल्योर, ये कंडीशन जो है एट फेल्योर पे पीक आता है इसका, एट फेल्योर, एट फेल्योर, ठीक है। चल ये बात तो क्लियर हो गई, अब चलते हैं डेराइव एक्सप्रेशन। देखो एक्चुअली यहाँ पे एक खास बात ये है कि ये जो वेन शियर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दो तरीके से हो सकता है, थर्ड पॉइंट है
देर इज टू टाइप ऑफ वेन्स ईयर देर इज टू टाइप ऑफ वेन्स ईयर टेस्ट परफॉर्म एक तो वन वे होता है, एक टू वे होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। पहला, दिस इज वन ए, दिस इज बी। वन वे शेयरिंग और दूसरा है टू वे शेयरिंग। टू वे शेयरिंग में आपको टॉप एंड बॉटम दोनों से रेजिस्टेंस मिलता है, टॉप एंड बॉटम बोथ रेजिस्टेंस। नीचे से रेजिस्टेंस भी आएगा और ऊपर से भी आएगा। इसमें वन वे शेयरिंग में ओनली बॉटम रेजिस्टेंस। ये बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चल, ये तो कहानी क्लियर हो गई। अब हम टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम क्लियर करते हैं आपके लिए। चल, ये ग्राउंड है आपका। सपोज दैट कि दिस इज द ग्राउंड और वेन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं। अभी हम पहला केस लेने जा रहे हैं, केस वन, टू वे शेयरिंग। ठीक, चलो इसको क्या करते हैं, इस तरीके से ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ये ऊपर इतना पोर्शन रहता है, इस पर कोई टॉर्क अप्लाई कर दो। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बना दिए, इतना रख लो, कोई दिक्कत नहीं। टॉर्क टी अप्लाई करते हैं, ऊपर से अप्लाई करते हैं। कुछ असेंबली बनी होती है जिससे हाथ से भी लगा सकते हो, मैकेनिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से आपकी एक लाइन होती है। ठीक है, चल दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से होती है, थोड़ा सा शेप इधर उधर हो जाता है इसका, कोई ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं सही से। चल इसको यहाँ पे, दिस इज टेस्ट। ठीक है, चलो या इसको जो है ना, एक काम करो, इसको यहां से बनाओ, बेटर रहेगा। ठीक, दिस इज परफॉर्मेंस, इसको सेंटर ये हो जाता है पॉइंट। इस वाली आर्म को थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाओ, इसको छोटा बनाओ, जो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपकी चीज़ें रहते हैं। ठीक, चल इस तरीके से आप देख सकते हो, यह है आपका असेंबली। इस तरीके से पूरी कहानी आपको दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, चल यह है वेन, इसको बोलते हैं वेन, दिस इज कॉल्ड टॉप वेन, बॉटम वेन। इस तरीके से सारी कहानी आपको मैंने क्लियर कर दी। ठीक, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये तो आपका ये हो गया, एक्सिस हो गया, टॉर्क आपको दिखा दिया। चलो डायमीटर कैपिटल डी मान लेते हैं, कैपिटल डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो इसकी जो हाइट है उसको कैपिटल एच मानते हैं। जब इसको रोटेट करोगे तो एक सर्कुलर नीचे सर्किल बन जाएगा, ऐसे करके क्या बन जाएगा, सर्किल। इसका डायरेक्शन आपका इस तरीके से था, तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरीके से इसका एक आप डायरेक्शन बना सकते हो। इस तरीके से रोटेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो नीचे से रेजिस्टेंस आएगा, बिकॉज इसको ग्राउंड में आपने क्या कर रखा है, पेनिट्रेट। टू वे क्यों बोला, क्योंकि एक शेयरिंग टॉप से आएगी, एक बॉटम से आएगी। जब इसको रोटेट, ये सारी जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है शेप,
ऐसा शेप नीचे भी होता है, बट बोर्ड के अंदर जा रहा है, मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। चल, तो ये सर्कुलर बन जाता है जब इसको रोटेट कराओगे। जैसे यही बोतल है, देखो ये वेन है, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा रहता है, ऐसे ही यहाँ पे चार वेन लगे होते हैं, फैन समझ लो, जैसे घर का फैन होता है, ऐसे ही वेन होती है। तो जैसे ही इसको इसके कॉन्टैक्ट में लाओगे, जब इसको रोटेट कराओगे, तो एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। जैसे ऐसे मैं रोटेट करा रहा हूँ तो सर्किल बन जाएगा। अब ये टॉर्क देखना, ये टॉर्क ही तो लग रहा है एक तरीके से, मैं जिस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ ये एक तरीके का टॉर्क है। देखो, दिस इज टॉर्क, दिस इज टॉर्क, दिस इज टॉर्क, दिस इज टॉर्क, देख सकते हो आराम से इसको। तो देखो ये रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका साइड से रेजिस्टेंस आएगा और बॉटम से आएगा, टॉप से भी आएगा। तो आप देख सकते हो दिस इज रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से इसका आ गया टॉर्क। चल, इसका जो डायग्राम है ये एक सिलेंडर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज सिलेंडर जिसका डायमीटर कैपिटल डी है और हाइट क्या हो जाएगी, एच है। अब मेरे को यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फेल्योर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, क्योंकि इससे डेरिवेशन करना है, इसलिए बनाना पड़ेगा। साइड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, तो उसको आप बना लीजिए, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, ये एक्सेस पॉइंट हो जाएगा, दिस इज स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, दिस इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए एट द टाइम ऑफ फेल्योर तो ये ऐसा होता है जैसा पहले था, बट रियल में इसको हम ऐसा बनाएंगे अभी समझने के लिए। ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, बट रियल में इसका पूरा रहता है, फिलअप रहता है। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन करने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द, ये एक्चुअल में होता है, दिस इज एक्चुअल, एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सियर, एक्चुअल सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चल, ये टॉप का दिखा दिया, ये बॉटम का दिखा दिया, बट एट द टाइम ऑफ फेल्योर जो है स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहता है, जो पहले वहाँ पे अभी बनाया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ फेल्योर ऐसे ही बनता है, ये जो टॉप और बॉटम का मैंने दिखाया था ये कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट ही रहता है एट द टाइम ऑफ फेल्योर, बिकॉज आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ फेल्योर सॉइल कोई भी शियर स्ट्रेंथ आपकी नहीं लेती है। तो ये होता है एट द टाइम ऑफ फेल्योर, बट ये पहले की कंडीशन है, मुझे डराइव करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब टोटल जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा आपको वो कितना होगा उसको देखते हैं, ठीक है। चल, तो टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। चल, इक्वेशन को डराइव करते हैं। चल, क्या है नेक्स्ट है, टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड, टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड। चलो, टोटल जो टॉर्क होगा कहाँ कहाँ से होगा बता सकते हो आप? टॉप से होगा, बॉटम से होगा, साइड से होगा। तो मैं लिख देता हूँ, टी टोटल जो निकल के आएगा, क्या क्या निकल के आएगा देखो भाई, यहाँ पे टी टॉर्क टॉप पे जरूरत पड़ेगी, बिकॉज जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ से कंसीडर करोगे। एक्चुअली इसको ग्राउंड के नीचे ले जाया गया, ये ग्राउंड मैंने बनाया नहीं, तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड के नीचे आप पेनिट्रेट करोगे, तो इसलिए बोलते हैं ग्राउंड के लेवल। तो टॉप से रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि मिट्टी के अंदर है, तो ये वाली मिट्टी ऊपर वाली जो होगी इसको रेजिस्ट करेगी, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे टॉप, फिर बॉटम का आएगा, फिर साइड से आएगा। तो टी टॉप बॉटम पे चाहिए आपको, प्लस प्लस टी प्लस टी साइड, साइड से रेजिस्टेंस चाहिए। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे आपको करना है एक्सप्रेशन निकालना है, तो आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है साइड का, बट यहाँ का कांस्टेंट नहीं है, इसके सेंटर पे जीरो, फिर जैसे जैसे पेरीफेरी पे बढ़ते जाएंगे वहाँ पे स्ट्रेस क्या होते जा रहे, मैक्सिमम। तो हमको क्या लेना है यहाँ पे, मैक्सिमम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जब भी टॉप और बॉटम का लिखना होगा तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये आर के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि टॉर्क होता क्या है, दिस इज फोर्स इनटू आर, फोर्स के बाद में अगर देखो आर, तो ये टॉर्क डिपेंड कर रहा है आर पे, तो आर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। तो आप देखोगे कि सेंटर पे अगर आर जीरो करोगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर मैं साइड की बात करूँ तो हर एक सेंटर से दूरी क्या है, समान है, देख सकते हो, दिस इज कैपिटल आर मान लेता हूँ, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर, तो जो साइड में रेजिस्टेंस निकलेगा वो तो फिक्स रहेगा।
चेंज कौन सा होगा? टॉप और बॉटम वाला चेंज होगा, बिकॉज उसके सेंटर पे जीरो रहेगा और टॉर्क उसके जितना पेरिफेरी पे बढ़ते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। तो एक काम करते हैं, और एक खास बात यह है कि टी जो टॉर्क टॉप पे जरूरत पड़ेगी वही बॉटम पे जरूरत पड़ेगी, बिकॉज नीचे का एरिया क्या है, रेजिस्टिंग सेम है। जैसे नीचे सर्कल बनेगा, देखो जैसे नीचे सर्कुलर है वैसे नहीं यहाँ पे भी सर्कुलर है, जैसे यहाँ सर्कुलर दिखा ऐसे ऊपर भी बन जाएगा। तो मतलब टॉप और बॉटम दोनों समान रहेंगे, तो इसको एक चीज़ और लिख सकते हो, दोनों बराबर होंगे तो इसको टू टाइम टॉप लिख सकते हो या टू टाइम बॉटम लिख सकते हो। बॉटम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस टी साइड। अब साइड का निकाल लेते हैं, बस ख़त्म करते हैं। पहले साइड का निकाल लेते हैं, टॉर्क रिक्वायर्ड साइड। टॉर्क होता क्या एक्चुअली, टॉर्क होता है फोर्स, यहाँ पे बेसिक फंडा क्लियर कर देता हूँ। टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो। अच्छा, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू क्या होता है, एरिया होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब कौन सा एरिया होता है यहाँ पे, शियर एरिया होगा और शियर स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू आर, जहाँ पे जैसी लोकेशन हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस कुछ भी हो सकती है, नॉर्मल स्ट्रेस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमारा केस शियर का इसलिए शियर ले रहे हैं। तो टी साइड हो जाएगा क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम मानते हैं सपोज दैट टाउ एफ मानते हैं, इनटू ध्यान दीजिएगा एरिया। एरिया बताओ, जब ये सिलेंडर रोटेट करेगा, सपोज दैट ये सिलेंडर है, जब ये मिट्टी के अंदर रोटेट करेगा तो इसकी पूरी परिधि पे, पूरी परिधि पे या सर्कमफ्रेंस पे आप देखोगे सॉइल रजिस्ट करेगी। इस तरीके से अगर मैं घुमा रहा हूँ इस चीज़ को तो आप देखोगे ये पूरा एरिया इसका रजिस्टिंग आएगा, पूरा एरिया रजिस्टिंग आएगा। अगर पूरा एरिया रजिस्टिंग आएगा तो बताओ ये रजिस्टिंग पूरा चारों ओर से रजिस्टिंग हो जाएगा, और इसका सर्किल का जो भी आपने सिलेंडर का पढ़ा होगा सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। तो 2πRh यहाँ पे क्या लिखोगे, 2πRh। तो ये तो हो गया, देखो स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है। अब आपको चाहिए रेडियस, तो आप रेडियस क्या लिखोगे, कैपिटल R, ये वेरी नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2πTauF इंटू H, R की जगह पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं डी बाई टू का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू टाउ एफ इंटू एच, ये रिलेशन आ गया। इसको एक नंबर दे दो, चल ये तो क्लियर है आपको, चलो आगे बढ़ें। अब हमको यहाँ पे डराइव करना है नेक्स्ट पार्ट, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि अगला पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। चलो इसी पार्ट को यहाँ पे रफ करते हैं, यहीं पे समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो यहीं पे समझा देते हैं, बेटर रहेगा। क्या है देखो, अब आपको चाहिए टी बॉटम, बॉटम देखो इसके लिए आपको एक स्ट्रिप कट करना पड़ेगा, बिकॉज ये आर के साथ वेरी कर रहा है, जो टॉर्क है वो आर के साथ वेरी करेगा। तो आप एक, ये है सर्किल, ठीक है, इस सर्किल में मैंने एक सेंटर माना, सेंटर से आर इस डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कट करूंगा डी आर की, जिसकी थिकनेस क्या होगी डी आर, दिस इज आर, और जो ये थिकनेस है दिस थिकनेस, ठीक है, दिस थिकनेस इज डी आर, और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, दिस इज कॉल्ड डी बाई टू, ठीक है, दिस इज कैपिटल आर डी बाई टू। चल अब एरिया लिखना आपको आता है, क्यों स्ट्रिप लिया, बिकॉज आप आर डिस्टेंस के साथ टॉर्क आपका वेरी करेगा, साइड वाले में वेरी नहीं कर रहा था क्योंकि सेंटर से सारी डिस्टेंस क्या थी, समान थी। बट यहाँ पे जो कांटेक्ट है, देखो कैसे समझाऊँ आपको एक चीज़, इस चीज़ को मैं समझा सकता हूँ ऐसे, देखो ये है ना कांटेक्ट पॉइंट, आप देख सकते हो बोतल का, इसका सेंटर से आप देखोगे जैसे इसको हम रोटेट कराएंगे तो आप देखोगे कि इस सेंटर से इधर उधर पॉइंट की दूरी क्या है, अलग अलग है। अगर हर पॉइंट पे अगर देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, तो रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेगा ना। तो क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि आप देखोगे कि सेंटर के साथ जो आर डिस्टेंस है वो क्या कर रही है, बैरी कर रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी वजह से हम डेरिवेशन में अपने स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्स्टेंट मानते हैं। तो इस वजह से एक्चुअल में तो ऐसा होता है, बट एट द टाइम ऑफ फेल्योर इसको क्या मानना पड़ता है, कॉन्स्टेंट। तो ये वाला एरो हटाओ,
क्योंकि तभी आप जा करके इसकी वैल्यू को टाउ एफ लिख पाओगे। दिस इज टाउ एफ, दिस इज टाउ एफ, ये भी टाउ एफ है, ये भी टाउ एफ है, तभी जा करके फार्मूले में मैं टाउ एफ लिख पा रहा हूँ, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट है। एक चीज़ तो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए कम से कम। यहाँ पे दोनों चीज़ें कॉन्स्टेंट थी, टाउ एफ भी कॉन्स्टेंट था और ये एरिया भी कॉन्स्टेंट था, वेरी नहीं कर रहा था। यहाँ पे मेरे को डेराइव करने के लिए कोई एक चीज़ कॉन्स्टेंट माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानोगे तो डेराइव कर ही नहीं पाओगे। क्यों? दो वेरिएबल एक साथ नहीं लेके चल सकते इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में वेरिएशन आपका एक ही होना चाहिए। तो हमारा वेरिएशन सिर्फ डिस्टेंस में करा रहा हूँ, स्ट्रेस को कॉन्स्टेंट मार रहा हूँ। तो यहाँ पे एट फेल्योर की बात हो रही है, एट फेल्योर टाउ एफ इज कॉन्स्टेंट। ये क्या है? अगर इसको वेरी करा दोगे तब तो आप डेरिवेशन कर ही नहीं पाओगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोला था कि इसको कांस्टेंट माना जाता है। तो एक्चुअल में तो ऐसा होता है, बट हम रियल में इसको मानते कैसे हैं? कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बॉटम निकालते हैं, क्या आ जाएगा? चलो बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो आप बताओ इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या लिख सकते हो? पाई। इस स्ट्रिप का एरिया अगर सेंटर से लें तो इस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई आर स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट करो भाई, डी ए अपान डी आर इक्वल टू 2 पाई आर लिख सकते हो। तो डी ए की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई आर इंटू डी आर, ये लिखा जा सकता है। क्लियर? चल अब बताओ टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू दिस इज फोर्स इंटू आर। चलो फोर्स की वैल्यू बोलो, फोर्स को क्या लिखा सकते हैं? स्ट्रेस टाउ एफ इंटू एरिया डी ए लिखोगे। अब एरिया चेंज हो जाएगा क्योंकि एरिया के साथ ये वेरी कर रहा है। चलो इंटू आर। चलो अब इसको करो इंटीग्रेट, जीरो से लेकर के टोटल टी बॉटम पे आपको निकालना है, तो इसको करो इंटीग्रेट और ये लिमिट जाएगी डी बाई टू तक। चलो इंटीग्रेशन जीरो से डी बाई टू टाउ एफ इंटू आर एरिया टू पाई आर इंटू डी आर लिख सकते हो। चलो फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ टी बॉटम इज इक्वल टू टू पाई टाउ एफ कॉमन ले लो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी आर लिमिट जीरो से डी बाई टू। क्लियर? चल आप बताओ एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पावर एन इंटू डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये होता है इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा? तो ये इंटीग्रेशन आएगा क्या? टू पाई टाउ एफ आर, आर की पावर कितना है? टू, मतलब एन की, एक्स की पावर एन कितना है? टू है, तो एन कितना है? टू है। तो इसको क्या लिखोगे? आर की पावर टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, थ्री हो जाएगा ये फार्मूला। जीरो से क्या लगा दोगे? डी बाई टू। तो ये निकल के आ जाएगा टू पाई टाउ एफ दिस इज आर क्यूब डिवाइड बाई थ्री जीरो से डी बाई टू। चलो और सॉल्व करते हैं, तो टू पाई टाउ एफ डिवाइड बाई थ्री इंटू ये आ जाएगा डी क्यूब डिवाइड बाई आठ, दो से कट गया कितना है? चार। तो आंसर आएगा पाई डी क्यूब टाउ एफ अपान बारह, ये रिजल्ट निकल के आ जाता है। आप सबको जोड़ देते हैं, रिजल्ट अपना ऑप्टेंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फिगर को रफ कर रहा हूँ, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है अब, ताकि हम सारी चीज़ों को यहाँ पे समझा सकें। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलो सारा डेरिवेशन खत्म, वैल्यू पुट करने हैं। चलो आ जाओ कहाँ पे? बॉटम पता हो गया ना। चलो अब आते हैं टोटल टॉर्क पे। टोटल टॉर्क क्या लिख सकते हो? क्या? टू टाइम टी बॉटम प्लस क्या लिखा जा सकता है बोलो? आप इसको लिख सकते हो टी साइड, सारा एक्सप्रेशन आपके सामने है। टू टाइम बॉटम कितना निकल गया? दिस इज हाउ मच? दिस इज राइट डाउन एज पाई डी क्यूब इंटू टाउ एफ डिवाइड बाई हाउ मच 12 प्लस ये निकल के आया होगा आपका पाई डी स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई टू इंटू टाउ एफ, ये एक्सप्रेशन हो गया। कॉमन ले सकते हो कुछ चीज़ें टी। चलो एक काम करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं क्या? पाई डी स्क्वायर इंटू टाउ एफ, ये कॉमन हो जाएगा
ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा d बाई सिक्स प्लस h बाई क्या बचेगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है। तो ये टॉर्क आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई, क्लियर। अच्छा तो ये कहानी आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। दिस इज द एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, मेंस में भी मिला है, एसएससी में आईईएस ने तो इसको डराइव करके पूछा था कि भैया बता दो कि ये क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, तो आईईएस में तो क्वेश्चन ऐसे निकल के आ जाते हैं। ठीक है, चल अब देखो इसको एक और लिख सकते हैं टर्म में, t इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इंटू सी यू भी लिखा जा सकता है। तो टॉर्क अनट्रेंड कंडीशन में लिख सकते हो क्या, दिस इज डी बाई सिक्स एच बाई टू, तो एक एक्सप्रेशन ये भी। तो कहीं कई बार एग्जाम में आपको टाउ एफ ना देके सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ, क्ले की एक्चुअली शेयर स्ट्रेंथ है टाउ एफ, तो वो कई बार अनट्रेंड क्वेश्चन भी दे देगा, तो दोनों एक्सप्रेशन सही है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब आ जाओ, ये तो क्लियर हो गया। अब मेरे को चाहिए दूसरा केस टू, वन वे शेयर में देखो क्या होगा। जब आपका इक्विपमेंट जो लगाया था आपने वन वे शेयर में, मैं बना के दिखा देता हूँ डायग्राम में, सपोज दैट कि ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। वन वे शेयर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपका जो बनाया है आपने इक्विपमेंट को, वो कुछ इस तरीके से आपने इसको ऊपर ले गए टॉप पे, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज़ इस तरीके से आपका डायग्राम आता है निकल के, जा करके नीचे ऐसे आपने कर दिया, तो आप देखोगे सिर्फ जो रेजिस्टेंस आएगा टॉप से नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राउंड पे आप कर रहे हो। तो वन वे शेयर में कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, आप डायग्राम बना लीजिए इसको, मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दूंगा। ये हाइट एच हो जाएगी, ठीक है, ये चलो ये कहानी है, कुछ इस तरीके से वेन आपका बन के आ जाता है। ठीक है, चल अब बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है टॉप पे तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके आपने इसको अंदर नहीं ले गया, इसको ऊपर ही रखा, जो ऊपर वाला सरफेस है उसको ऊपर रखा ग्राउंड के, सिर्फ रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ से, ये रेजिस्टेंस आएगा, तो इसलिए इसको सिर्फ हम लिखेंगे वन वे शेयर में टोटल टॉर्क होगा क्या, टी बॉटम प्लस टी साइड, और बाकी सारी वैल्यू आपने निकाल रखी है। जब सारी वैल्यू आपने निकाल रखी है वन वे शेयर में टू टाइम नहीं आएगा, इस चीज़ का दिमाग में बैठा लो। बॉटम क्या निकाल के लाए हो भाई, बताओ, पाई डी स्क्वायर पाई डी क्यूब टाउ एफ डिवाइड बाई 12 प्लस टी साइड, साइड निकाल के लाए थे क्या, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हाउ मच टाउ एफ इंटू एच, तो ये एक्सप्रेशन आपका हो गया। चल कुछ कॉमन ले लेते हैं, पाई डी स्क्वायर कॉमन ले लिया इंटू टाउ एफ ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा डी डिवाइड बाई 12 प्लस h डिवाइड बाई 2, तो देखो दोनों एक्सप्रेशन में h बाई 2 है, चेंज कहाँ पे आया, चेंज सिर्फ आया आपका कहाँ पे, 12 में। देखो यहाँ पे 2 वे था तो इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम एक्सप्रेशन वही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 से कट जाएगा 12, 2 6 जा जाएगा, तो यहाँ पे d बाई 6 आ जाएगा, तो वही एक्सप्रेशन पे आप फर्दर पहुँच जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वन वे निकाल, तो एक कोई याद कर लो, 2 वे याद रखो, अगर आप उसे कहे वन वे निकालना है तो चुपचाप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका दोनों एक्सप्रेशन निकल जाएगा, तो याद करना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। चल ये कहानी क्लियर है। चलो d क्या है, डायमीटर है वेन का, h क्या है, हाइट है उसकी, सारी कहानी मैंने बता दी, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। चलो याद करने का आसान, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, इसको याद कराने का यूनिट दिखा देते हैं आपको। यूनिट टॉर्क की यूनिट क्या निकल के आएगी, टी की यूनिट क्या निकल के आएगी, डी पाई की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है, शियर स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डाया एमएम स्क्वायर, डी बाई 2 एमएम प्लस एमएम, सब एमएम ही आएगा, एमएम प्लस एमएम, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट निकल के आती है न्यूटन इंटू एमएम। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान ले चार ऑप्शन बना के आपको कल को दे दे कि कहीं भैया बताओ कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से सही है, और ऑप्शन में आपको पता नहीं है कि यहाँ पे d4 कर दिया, कहीं पे d3 कर दिया, बट आप यूनिट से भी उसको चेक कर सकते हो। कैसे, आप देख सकते हो कि इसकी यूनिट क्या निकल के आती है, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, मैंने बता दिया पूरा। तो कई बार ऑप्शन को आपको यूनिट से भी चेक कर लेना चाहिए, तो कम से कम आपको टर्म की अगर यूनिट पता है, तो हमेशा कोई भी फार्मूला डेराइव करते हैं हमेशा डायमेंशनली सेम होता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों के डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी वो फार्मूला प्रूफ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, कभी कई ऑब्जेक्टिव कई बार नए फार्मूले आ जाते हैं और मुझे नहीं पता होता है,
बट उसमें से अगर आप डायमेंशन से उसको एलिमिनेट करोगे तो कर ले जाओगे। तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। चल, ये तो कहानी मैंने बता दी, इसको भी यहाँ पे टाउ एफ की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो इसको आप बाद में लिख दीजिएगा, टाउ एफ इजकल टू सी यू लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जगह पे आप लिख लेना। तो इसको मैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देता हूँ और बाकी मैं लिख देता हूँ, डी इज डाया ऑफ वेन, डाया ऑफ वेन, एच इज हाइट ऑफ वेन, हाइट ऑफ वेन। तो ये कहानी मैंने यहाँ पे पूरी बता दी। चलो, अब एक फाइनल पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे। सेंसिटिविटी को अब मैं समझा देता हूँ कि जो पॉइंट छूटा हुआ था उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो, कॉपी तो कर ली होगी ना, चलो कॉपी दिस, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब ज़रूरत ही नहीं है, आई होप कि कॉपी तो कर ही ली होगी। मैंने आपको टाइम बोला है कि आप मेरे साथ ही लिखा करो, बेटर रहेगा। मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा था, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी माई नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज सेंसिटिविटी। चल, इस वेन का मैं वन वे का डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो। वन वे शियर, वन वे शियर। चलो, वन वे शियर का डायग्राम बना देता हूँ। चलो, ये है आपका ग्राउंड लेवल, यहीं पे आकर के आपने क्या कर दिया, लगा दिया वन वे है। इस तरीके से बना लेना आप, टाइम कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कम से कम कैसे चल रही कहानी। नहीं पता होगा तो बाद में भूल जाओगे कुछ दिन बाद, ठीक है? तो याद रखना ज़रूरी है। ये है, ये कहानी आपकी वन वे की है। चलो, ये पूरी पिक्चर मैंने बना दी और यहाँ पे लगा दिया टॉर्च। क्लॉकवाइज लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहानी है आपकी वन वे की, ये है आपका टोटल डायमीटर निकल के आ जाता है, ये है डायमीटर आपका, दिस इज डी, दिस इज कैपिटल डी। चलो, अब आते हैं सेंसिटिविटी का जो पॉइंट मैंने बोला था डिस्कस करना, वो अब डिस्कस कर देता हूँ। चलो, सेंसिटिविटी एस होता क्या था, पूरा कहानी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने बोला था इसका यूज करूँगा, सी यू अनडिस्टर्ब अपान सी यू रीमोल्डेड, इसको लिख सकते हैं हम लोग। चलो चलो, आ जाओ सी यू वहाँ से निकालते हैं, क्या निकल के आएगा, जनरल, जनरल सी यू की बात करते हैं, तो सी यू इजकल टू निकल के आएगा क्या, टॉर्क टी यू डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर एच बाई टू। टू वे शेयर भी मान सकते हो, वन वे जो मर्जी हो, मैं तो टू वे मान के चल रहा हूँ, तो उसकी केस में निकाल रहा हूँ, दिस इज डी बाई सिक्स। टू वे शेयर के केस में चेक करें, वन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टू वे शेयर। चल, ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, लेकिन मेरे को सी यू चाहिए किस केस में, अनडिस्टर्ब स्टेट में चाहिए, तो आपको टॉर्क भी देखना पड़ेगा अनडिस्टर्ब केस के से, टी यू अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर एच बाई टू। पहले क्यों नहीं बताया था, क्योंकि मेरे पास अभी तक एक्सप्रेशन नहीं था, इसीलिए मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था। और सी यू अगर आपको निकालना हो रीमोल्डेड स्टेट में, रीमोल्डेड स्टेट में, तो आपका टी यू निकल के आएगा किस में, टी यू निकल के आएगा आपका रीमोल्डेड स्टेट में, रीमोल्डेड स्टेट में डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स। ये भी किस में रहेगा, टू वे में रहेगा, टू वे शेयर, ठीक। चलो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है सेंसिटिविटी का, दिस इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी पूछा है क्वेश्चन आईईएस में, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार,
कई बार आपको टॉर्क दे देगा, आपको पता नहीं होगा कि यार सेंसिटिविटी का फार्मूला कुछ ये भी होता है, तो पता होना चाहिए कम से कम। अनडिस्टर्ब के केस में क्या आएगा, टी यू ऊपर रहेगा, दिस इज टी यू रिमोल्ड सॉरी अनडिस्टर्ब्ड अपान, सारा एक्सप्रेशन उतार दो यहीं पे, पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी डिवाइड बाई सिक्स। दूसरा एक्सप्रेशन आएगा टी यू रिमोल्डेड डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर एच बाई टू प्लस डी डिवाइड बाई सिक्स। दैट्स क्लियर। तो देखो क्या हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी को और क्या लिखा जा सकता है, सेंसिटिविटी दिस इज डिनोटेड बाई एस टी, कैपिटल एस टी सफिक्स में, दिस इज टी यू अनडिस्टर्ब अपान टी यू रिमोल्डेड। तो ये भी एक आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है। तो मैंने पढ़ा क्या था, जब जनरल पहले पढ़ते थे तो ये सेंसिटिविटी होता था, कई एक्सप्रेशन निकल के आए, सबको एक साथ समराइज कर देते हैं। तो आज से आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, क्यू यू अनडिस्टर्ब अपान क्यू यू रिमोल्डेड, ये लिखा जा सकता है, या सी यू अनडिस्टर्ब अपान सी यू रिमोल्डेड, ये भी लिखा जा सकता है। ओके चल, और क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एस टी कर देना, यहाँ पे इक्वल लिख देते हैं। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू मैंने लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं, इसको और लिखा जा सकता है, अभी जो इस हिसाब से पढ़ के आए रिजल्ट के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, टॉर्क इन अनडिस्टर्ब केस, अनडिस्टर्ब कितना अप्लाई किए अपान टी यू रिमोल्डेड। देखिए जब सॉइल डिस्टर्ब हो गए, जब इस वेन को आपने चला दिया रोटेट कर दिया, तो नीचे की सॉइल जो आसपास की सारी सॉइल होगी डिस्टर्ब हो चुकी होगी, तो उस केस में टॉर्क कितना आया बिफोर द टेस्टिंग, इनिशियल टेस्टिंग में जब शुरुआत में सॉइल जब डिस्टर्ब नहीं हुई थी तब कितना टॉर्क था, जब पहला टॉर्क लगाना शुरू किया होगा, पहला टॉर्क सबसे पहले पुश किया होगा, पहला टॉर्क जैसे स्टार्ट किया होगा, दिस इज कॉल्ड टी यू अनडिस्टर्ब स्टेट। जैसे ही पूरी सॉइल डिस्टर्ब हो गई रिमोल्ड हो गई, उस समय टॉर्क देखा होगा कम निकल के आया होगा, दोनों का रेशियो निकालो आंसर निकालो। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ रिमोल्डेड, तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो ये भैया आज से आज का फार्मूला आपका हो गया, किसी तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। सारी कहानी बता दी, याद करने का कोई, अगर भूल भी जाते हो तो सबसे मतलब अगर मान लो एग्जाम में भूल जाते हो, डेरिवेशन क्यों कराया, डेरिवेशन इसीलिए कराया ताकि भैया कभी भूल जाओ तो याद करो, सबसे अच्छा तरीका कुछ मत करना, इंटीग्रेशन टू टाइम लगाओ, टॉप एंड बॉटम के लिए जीरो से डी बाई टू लगाओ, स्ट्रेस लिखो, ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर भूल जाते हो तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, टू टाइम क्यों लगाया, क्योंकि भैया ये दो टॉप एंड बॉटम का है टू, तो ये किसका है टू, ये टू है किसका, टॉप का भी है और बॉटम का भी है, तो टॉप और बॉटम का हो गया, जीरो से डी बाई टू लगाओगे लिमिट, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ये डी बाई टू है, टाउ एफ लगाओगे एरिया, एरिया क्या लिखोगे, टाउ एफ इंटू दिस इज एरिया टू पाई आर इंटू डी आर लिख दोगे, इंटू आर कर देना, प्लस साइड से रेजिस्टेंस पता है टाउ एफ आ जाएगा, इंटू टाउ एफ को एरिया से मल्टीप्लाई कर देना टू पाई आर एच आ जाएगा, इंटू या इसको पाई डी एच कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है ना, टू पाई आर बोलो या पाई डी बोलो बात एक ही है, तो पाई इंटू डी इंटू एच कर दोगे इंटू डायमीटर का हाफ, या इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे पुराना कॉन्सेप्ट था टू पाई आर एच इंटू आर, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आर की जगह पे पुट कर देना क्या डी बाई टू, बस इसी को देखो, इतना समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती, क्योंकि आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, आप पहली बार पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो पहली बार पढ़ाने के लिए सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझाना पड़ता है कि किस स्टेप है, लेकिन अगर कल को भूल भी जाते हो तो कुछ मत करना, टू टाइम इंटीग्रेशन लिमिट सेंटर से लेना होता है, दोनों टाइप से मिट्री थे, जीरो से डी बाई टू, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो टॉर्क दे देगी, ये टॉर्क हो गया, ये तो हो गया टॉप और बॉटम से, ये टॉर्क हो गया साइड से, दोनों को जोड़ो टोटल टॉर्क, इसको इंटीग्रेट कर लेना, सेम रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टू वे शेयर के केस में, अगर वन वे का केस हो तो ये टू हटा देना, बाकी सीधा एक्सप्रेशन लिखोगे तो वन वे का भी ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद करना आसान है, तो इसीलिए डेरिवेशन कराया जाता, कल को भूल जाओ तब भी हमको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, स्केम्प्टन थ्योरी से दिखाएंगे वहाँ पे
कि पोर वाटर जो पैरामीटर्स होते हैं, जहाँ पे ए और बी डिस्कस करेंगे, लिक्विफैक्शन डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस पाथ डिस्कस करेंगे, तो शियर स्ट्रेंथ का नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि आखिरी लेक्चर होगा थ्योरी। उसके बाद दो लेक्चर होंगे न्यूमेरिकल के, एक कन्वेंशनल होगा मेंस का और एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए बने रहिए, मेहनत करते रहिए, बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चल, थैंक यू, आई लव यू।